हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। बच्चों, यह एक कविता है और बहुत ही प्यारी कविता है। आइए हम लोग इस कविता का आनंद लेते हैं और इसके बाद इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग कविता को। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो इस कविता के कवि हैं बच्चों कल्पनाथ सिंह जी। आइए अब हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, यहाँ पर कवि जो है आकाश में जो बादल छाए हुए हैं उनके बारे में हमें बताता है, उनकी विभिन्न आकृतियों के बारे में हमें बताता है, उनके विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में हमें बताता है कि वो आकाश में क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं और किस तरह के आकार, अनेक प्रकार के आकार बनाते हैं, उसके बारे में बताता है। झब्बर झब्बर बालों वाले, कवि कहता है कि आसमान में जो बादल छाए होते हैं वो कभी कभी ऐसा आकार बना लेते हैं, लगता है कि जैसे उनके शरीर पर बहुत सारे बाल आ गए हों, मतलब झबरे वाले बाल आ गए हों। गुब्बारे से गालों वाले, और कुछ बादलों का आकार ऐसा है मानो कि वो गुब्बारे के समान अपने गाल को फुला कर रखे हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, और जो काले रंग के बादल हैं वो आसमान में चारों तरफ दौड़ रहे हैं। जैसे जैसे हवा चलती है वो हवा के साथ उड़ते रहते हैं और झूमते रहते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ बादलों का आकार ऐसा है मानो कि वे जोकर हों और अपनी तोंद को फुलाकर आकाश में खड़े हुए हों। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ बादल हाथी के समान सूंड को उठाकर खड़े हुए हैं। कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, और कुछ बादलों का आकार ऐसा है मानो कि ऊंट का कूबड़ हो। कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बादलों का जो रंग है वो इतना सुंदर है उन्हें देखकर मन मुग्ध हो जाता है, मन खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो परियों के सुंदर से पंख हों। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, और बादलों की जो क्रियाकलाप है वो यहीं पर खत्म नहीं होता है। कुछ बादल इतनी तेजी से आसमान में उड़ते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसा लगता है कि जंगल में शेर घूम रहे हों और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हों। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ बादलों को देखकर तो डर लग जाता है और ऐसा लगता है कि ये तूफान लेकर आए हुए हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ बादल जो हैं वो बहुत ही शैतान से लगते हैं, बहुत ही नटखट से लगते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, कुछ बादल इतने नटखट हैं कि कभी वो थोड़ी सी वर्षा कर देते हैं फिर शांत हो जाते हैं, फिर थोड़ी सी वर्षा कर देते हैं और फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और ये जो बादल हैं ये किसी की भी कुछ नहीं सुनते हैं, ये जोर जोर से गरजते हैं, इनको किसी भी बात की चिंता नहीं है कि हमारे गरजने से शोर मच रहा है और हम जो है सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, डरा रहे हैं बच्चों को। वो बादलों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो ढोल बजाते ही रहते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, कभी कभी क्या होता है जब हवा चलती है तो बादल उड़कर हम लोगों की छत पर आ जाते हैं और फिर जैसे ही हवा चलती है तो वहां से वो उड़कर आगे चले जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, यानी कि फिर वह जो है उड़कर आगे की तरफ चले जाते हैं।
कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी ये बादल इतने जिद्दी बन जाते हैं कि नदी नालों को अपने वर्षा के जल से भर देते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, लेकिन इतना करने के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी ये जो बादल हैं ये बहुत ही मन के भोले भाले हैं और किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये कविता हमारी समाप्त होती है। आइए अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो बच्चों अभी हमने कविता में पढ़ा कि बादल जो है वो तेज वर्षा करके, तेज बारिश करके नदी और नालों में बाढ़ ले आते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो तेज तेज गरज कर बादल ढोल बजाते होंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? तो बच्चों बादल जो है वो गरज कर, वर्षा करके, है ना, कभी तेज बूंदाबांदी करके, कभी धीरे धीरे वर्षा करके शैतानियां करते होंगे। कैसा कौन? सूरज सी चमकीली क्या होती है? थाली होती है। और चंदा सा गोरा चेहरा, यहाँ पर हमें दिए हुए खाली स्थानों को भरना है उपयुक्त शब्दों से। हाथी सा भारी भरकम आदमी, जोकर सा मजाकिया बंदर, परियों सा प्यारा पंख, गुब्बारे सा मोटा मुंह या गुब्बारे सा फूला मुंह, ढोलक सा मोटा पेट। इसके बाद कविता से आगे तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग बताइए। चलिए अच्छा मैं बता देती हूँ। तूफान क्या होता है बच्चों? जब बहुत तेज हवा चलती है ना, और बारिश बहुत तेज हो जाती है, जब सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हवा का जो है वेग बहुत ही ज्यादा होता है और उसके साथ साथ बारिश जो है वो बहुत ही अधिक होती है, मात्रा से अधिक होती है, तो उस स्थिति को हम तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बादल ही तूफान लाते हैं, तेज वर्षा करते हैं, अपने साथ हवा लाते हैं। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? तो बच्चों जुलाई में, अगस्त में, और जो वर्षा का ऋतु होती है उस ऋतु में बादल बहुतायत से छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात कही गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो ये आपको बच्चों स्वयं करना है, बातचीत करनी है और लिखने का प्रयास करना है कि बादल आपने किन किन रंगों के देखे हैं। उसके बाद देखिए, कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। गुब्बारे से गालों वाले बादलों का चित्र बनाना है। उसके बाद हल्के फुल्के सुहाने बादलों का चित्र बनाना है। उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या है। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो यहाँ पर एक एक अक्षर लिखा हुआ है, इसके आगे हमें अक्षर लिखने हैं और इन्हें शब्द बनाना है। म, म के आगे हम लिख देंगे त वाले, मत वाले। उसके बाद शै, शैतानी। जी, जिद्दी। तू, तूफानी। बारिश की आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज होती है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। तो आपको ये स्वयं करके देखना है, स्वयं लिखने का प्रयास करना है। एक तो मैं आवाज आपको बता देती हूँ, जब पानी टपकता है तो टिप 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 की आवाज आती है, इसी के अनुसार आपको कुछ आवाजें और लिखनी है। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं, कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ों को देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई
देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो आपको अपने चारों तरफ जो पेड़ हैं उनको ध्यान से देखना है कि उनकी आकृति आपको किस तरह की लगती है, और एक कविता भी लिखनी है। और यहाँ पर बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।